ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम, यूपी तक डॉट इन को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद में तो हम लोग नहीं जाने देंगे, उसका प्रबल विरोध होगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने का कोई मतलब नहीं। अगर इनको वीडियोग्राफी करने की इजाज़त मिल जाएगी तो सभी लोग वहाँ लेकर के कैमरा और अपना वो लेकर के जाएंगे, फिर आप भी जा सकते हैं। वाराणसी के स्थानीय अदालत में सन 1991 से भले ही काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा हो, लेकिन 18 अगस्त 2021 को बनारस की 5 महिलाओं ने उसी परिक्षेत्र में स्थित सिंगार गौरी में नियमित दर्शन करने सहित अन्य विग्रहों की देखरेख और सुरक्षा की गुहार वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक वाद दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मौका मुआयने के लिए सर्वे और वीडियोग्राफी की अनुमति भी दे दी। लेकिन किन्हीं कारणों से दो बार कोर्ट कमिश्नर नहीं जा सके और अब एक बार फिर से अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने ईद के बाद इस वीडियोग्राफी की कार्रवाई को करने की अनुमति दे दी है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पक्ष से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन जी हैं। इनसे पूछते हैं कि आप लोग शुरू से इस केस को किस तरह देख रहे हैं और अभी क्या स्टेटस है? तो हम लोग केस को केस की तरह देख रहे हैं, ये कोई आपसी लड़ाई नहीं है, एक अदालती कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई को अदालती कार्रवाई के तौर पर हम देख रहे हैं। और कमीशन न जा पाना ये उनकी अपनी कमजोरी की वजह से हुआ है। इस बार कमीशन की आदेश हो गया है, अब देखा जाता है कि ईद के बाद किस तरह का रुख होता है कमीशन जाने का और क्या कमीशन कार्रवाई करता है। यासीन साहब, ये बताइए कि ये 18 अगस्त 2021 से जब ये हुआ, ये वाद दाखिल हुआ, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह से क्रमवार इसको इसके लिए इसके अपोज में कोशिश की गई? देखिए, इस तरह की हम लोगों ने इसके लिए, चूँकि ये जो वाद दाखिल किया इसमें राखी सिंह वगैरह ने मस्जिद को भी शामिल करने की कोशिश की, जबकि एक्चुअली ये श्रृंगार गौरी का मसला है, ये श्रृंगार गौरी का मसला है और श्रृंगार गौरी से इसका कोई ताल्लुक, मस्जिद का कोई ताल्लुक नहीं, बैरिकेडिंग से बाहर श्रृंगार गौरी है, इसलिए जो है उसको हम लोगों ने उसका अपोज किया था, उसका विरोध किया था। तो क्या इसमें कुछ सफलता मिली है आपको? भाई, दो दफ़े तो सफलता मिली, दो दफ़े कमीशन नहीं हो पाया, हो सकता आगे भी कोई चांस निकल आवे, अभी ये नहीं कहा सकता कि निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, लेकिन कोशिश तो जारी रहेगी, क्योंकि मस्जिद को शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं, मस्जिद एक अलग चीज़ है और श्रृंगार गौरी बिल्कुल अलग चीज़ है, और श्रृंगार गौरी में नियमित रूप से दर्शन वर्शन होता रहा है, ऐसा नहीं है। एक दफ़े 1995 में शिव कुमार शुक्ला वगैरह ने भी दाखिल किया था, जो बाद में खारिज हो गया, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया उसमें था कि साहब चैत नवरात्र की चतुर्थी को वहाँ दर्शन पूजन होता है, इस साल भी वही हुआ, दर्शन पूजन हुआ, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ तक मुसलमानों का कोई मतलब भी नहीं है। ये बताइए कि ये बार बार बात उठ रहा है, जो डिमांड की गई है कोर्ट में वादियों की ओर से, वो श्रृंगार गौरी सहित अन्य करीबन आधा दर्जन ऐसे पॉइंट्स हैं, तो क्या उसमें मस्जिद का भी कुछ हिस्सा है? नहीं, कतई नहीं, मस्जिद का कोई हिस्सा नहीं है, मस्जिद बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल सेपरेट है। वो 1937 में एक फैसला आ चुका है, इट इज़ डिक्लेयर्ड दैट द मास्क एंड द कोर्टयार्ड विद द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ, यानी मस्जिद ऊपर से नीचे तक मस्जिद है, उसका किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। कहाँ का फैसला था ये? यही एक सिविल जज का फैसला था, 1937 में ये फैसला दिया, दीन मोहम्मद एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन काउंसिल में, ये उस वक्त का फैसला। अभी इसके बाद ये जाहिर सी बात है, इस ये भी कॉपी आपने लगाई होगी अभी के श्रृंगार गौरी के केस में? अभी ये कॉपी अभी नहीं लगाई गई है, क्योंकि अभी तो इसका मौका ही नहीं आया है, अभी जवाबदेही दाखिल नहीं हुई है। लेकिन अभी जो आदेश हुआ है उसमें जितने पॉइंट्स हैं, लगभग आधा दर्जन श्रृंगार गौरी के अलावा भी जो पॉइंट्स हैं, उसमें तो बैरिकेडिंग के अंदर जाने की भी अनुमति दे दी गई है। अच्छा, बैरिकेडिंग के अंदर कैसे चले जाएंगे लोग? मस्जिद के बाहर का हिस्सा जो है बैरिकेडिंग के अंदर, वो CRPF के हवाले है। क्या CRPF को इन्होंने अनुमति दी है कि आप दरवाज़ा खोलिए? और मेन गेट हमारा सिर्फ मस्जिद के जाने के लिए मुसलमानों के लिए है,
पीछे वाले दरवाजे सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं या सुरक्षा कर्मी जा सकते हैं। मगर आपके वकील ने अभी बहस के दौरान पिछली बार ये माना है कि उसमें सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं माना है, ये गलत खबर आई है। ये वकील लोग मान ही नहीं सकते ये बात कि नहीं उसमें अन्य धर्म के लोग भी जा सकते हैं। लेकिन अब जो कोर्ट ने आदेश दे दिया है, फिलहाल जो 9130 जो भूमि संख्या है उसमें और सारे पॉइंट्स हैं उसके तहत तो अब जा ही सकते हैं मस्जिद के अंदर सर्वे करने के लिए। मस्जिद में तो हम लोग नहीं जाने देंगे, उसका प्रबल विरोध होगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर जाने का कोई मतलब ही नहीं, मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने का कोई मतलब नहीं। अगर इनको वीडियोग्राफी करने की इजाज़त मिल जाएगी तो सभी लोग वहाँ लेकर के कैमरा और अपना वो लेकर के जाएंगे, फिर आप भी जा सकते हैं। आपको तो अभी रोका जा रहा है, कहीं नहीं जाने पा रहे हैं रेड जोन में। क्या एक आर्डर ले आवे अदालत से, उसके बाद जिसको देखो वही चला जाए वहाँ जा करके कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी होगी अगर मान लीजिए, अगर आप लोग अब देखा जाएगा अगर अवहेलना होगी जो उसके नतायज होंगे वो भुगतेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल किसी भी सूरत में कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। नहीं, फिलहाल तो हम नहीं जाने देंगे, प्रबल विरोध होगा। इसको लेके लीगल पॉइंट से किस तरह आगे की तैयारी है, क्योंकि अभी ईद में थोड़ा वक्त अभी तो टाइम है, क्योंकि अभी हम लोगों ने नकल निकलवाई है। नकल निकलवाने के बाद उसको देखेंगे कि उसके आगे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी मीटिंगें होंगी, फिर उसके बाद बड़े बड़े सीनियर वकला से भी बात किया जाएगा, उसके बाद जो नतायज सामने आएगा उसको देखा जाएगा उसी हिसाब से। क्योंकि हाईकोर्ट में भी आपके इस स्टे के लिए याचिका को खारिज कर दिया गया, तो इस वजह से खारिज किया गया कि क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इन्होंने रोक लगा दी थी सर्वे पे, तो हमने खुद ही खारिज करवा दिया उसको। अब दो रास्ते हैं, या तो कोर्ट कोई नया रोक लगाए आदेश दे, या तो फिर आपका कहना है कि एनी हाउ किसी भी सूरत में उसको आप लोग वहाँ सर्वे नहीं होने देंगे। नहीं, सर्वे करेंगे लेकिन बैरिकेडिंग के बाहर सर्वे करें। लेकिन आदेश तो बैरिकेडिंग को लेकर भी हुआ है। देखिए आदेश तो वहाँ बैठे बैठे वो तो देख नहीं रहे वहाँ क्या पोजीशन है, बैठे बैठे वहाँ से आदेश कर दिया तो पोजीशन जानने के लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, वो पोजीशन नहीं जान पाएंगे। जो साहब आ भी रहे हैं सर्वे में उन्हें भी क्या मालूम है, उन्हें जो वो आप लोग बतावेंगे वो लोग बतावेंगे वही वो लिख देंगे। ईमानदारी से तो सर्वे होगा नहीं, और सर्वे का मतलब भी क्या है। बैरिकेडिंग के बाहर श्रृंगार गौरी है, श्रृंगार गौरी का एक स्थान है, जाके सर्वे कर लें वहाँ क्या श्रृंगार गौरी है कि नहीं। क्या लग रहा है इससे, इसके जरिए क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है, इन सारी चीज़ों के पीछे क्या हो सकता है? कुछ तो राजनीतिक कारण है, कुछ धार्मिक विद्वेष के कारण है। दो धर्मों के बीच में आपसी सद्भाव जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है बस। और इसमें कहीं ना कहीं न्यायालय भी पक्षकार है। तो ये थे हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो इस पूरे मामले को मुस्लिम पक्ष से देख रहे हैं, और इनका साफ कहना है किसी भी सूरत में अगर सर्वे की कार्रवाई बैरिकेटिंग में मस्जिद के अंदर भी होती है तो वो किसी को जाने नहीं देंगे, और आगे कोर्ट के आदेश को फॉलो करते हुए देखते हुए ये आगे की लीगल कार्रवाई में भी जुटे हुए हैं, और साफ साफ इन्होंने इसमें धार्मिक विद्वेष भी फैलाने का आरोप मढ़ा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।